साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपने बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हां साथियों, कुवैत के लगभग मेरे को चैनल बनाए 2 साल हो गए, इतने ज़्यादा कॉल आते हैं 2 साल से, लेकिन मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं थी क्योंकि मेरे टच में ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसके पास कुवैत की वैकेंसी हो। हालांकि टच में बंदे बहुत हैं, लेकिन भेद किस पे करें भैया, आदमी सही भी होना चाहिए कि बंदे को पार लगा दे, आगे तक जॉब भी मिल जाए वगैरह वगैरह। तो कुवैत से रिलेटेड जॉब आई है, अगर आप चाहो तो इसमें ट्राई कर सकते हो। कुवैत से रिलेटेड साथियों, ये शटडाउन वीज़ा है, 1 ईयर्स वैलिडिटी का, शटडाउन की बात कर रहा हूँ। और कुवैत में वैसे ज़्यादा शटडाउन के ही काम आते हैं भैया, मेडिकल अनफिट बंदा शटडाउन में चल जाता है, बहुत सारे काम भी जल्दी होता है, वीज़ा भी जल्दी आ जाते हैं, बहुत सारे रीज़न होता है, शटडाउन वीज़ा है। अगर आप कुवैत से रिलेटेड हैं तो 10 वैकेंसी हैं, 10 से 11, तो मैं सबकी कैटेगरी बता दूंगा, सैलरी बता दूंगा आपको, जिस कैटेगरी में जाना अच्छा लगे। दिए गए नंबर गुजरात से रिलेटेड है, ये काम मैन पावर से आपका काम होगा, सुरेश चौधरी हैं गुजरात से, तो उनसे आप दिए गए नंबरों पे ऑफिस का एड्रेस मैं डाल दूंगा, वहां जाके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेटल होता है, आपको जस्ता है, तो आप वहां से अपना काम करवा सकते हैं। मेरे काम है आपके तक ये जानकारी पहुंचाना, बाकी आपका काम है, आप जाओ नहीं जाओ आपकी मर्जी। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं कुवैत से रिलेटेड। सारी कुवैत की डार्लिंग कंपनी इसका नाम है, कंपनी का नाम भी बड़ा खतरनाक है, डार्लिंग। इंडियन लोग तो डार्लिंग का मतलब अच्छी तरह से समझते हैं, KSC कुवैत, ठीक है साथियों। कैटेगरी की बात करें, सिक्योरिटी गार्ड इसमें मांगे हैं 30 आदमी मांगे हैं, सैलरी रहेगी 120 KD, ठीक है साथियों, 120 KD रहेगी, 225 का भाव चलता है, यानी आप मान के चलिए 30-35 हज़ार रुपये आराम से इसमें कमा सकता है। हेवी ड्राइवर की इसके सेकंड वैकेंसी है, 20 क्वांटिटी, इसमें 20 लोगों की ड्राइवर की जरूरत है, इंडियन लाइसेंस भी चल जाएगा, 140 आपकी इसमें सैलरी रहेगी, 8 घंटे ड्यूटी है, 140 यानी वहाँ की, ठीक है साथियों, KD, तो बंदा 40,000 के समथिंग इसमें आराम से कमा लेगा। लाइट ड्राइवर मांगे हैं इसमें 120, इसमें सैलरी रहेगी 30-35 हज़ार रुपये आराम से कमा लेगा। इलेक्ट्रिशियन मांगे हैं इसमें 25, 130 KD इसमें सैलरी रहेगी। प्लम्बर मांगे हैं 130 KD इसमें सैलरी रहेगी। सेटरिंग कारपेंटर इसमें 60 मांगे हैं, 130 KD सैलरी रहेगी। मेसन 40 मांगे हैं, 130। स्टील पिक्चर और अपने पाइप फिटर और जनरल लेबर की सैलरी है 110 KD, ठीक है साथियों। वेल्डर की है 130 KD, यानी ये 11 कैटेगरी मैंने आपको बता दी, दोबारा बता दूं, सिक्योरिटी गार्ड, हेवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सेटरिंग कारपेंटर, मेसन, स्टील पिक्चर, पाइप फिटर, जनरल लेबर और वेल्डर, ये कैटेगरी है 120 से 140 तक, यानी बंदा 30 से 40-45 हज़ार रुपये आराम से। कुवैत में तो आपको पता भैया सिक्का भारी है, तो एक लेबर आदमी भी 25-30 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है, सैलरी अच्छी है, ओवर टाइम करके अच्छी बंदा पैसा कमा सकता है। इसमें जुम्मे की छुट्टी होती है, आपको पता है ड्यूटी 8-9 घंटे होती है, सबको पता ही है। अब आपको कंपनी की तरफ से बेनिफिट क्या रहेगा मैं बता दूं, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 ईयर का आपका वीज़ा रहेगा, वर्किंग आवर्स यानी 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, एक सप्ते में 1 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी, प्लेस ऑफ वर्क कुवैत का रहेगा, रहना प्लस खाना प्लस आना जाना फूड वगैरह सब कंपनी की तरफ से रहेगा, अदर बेनिफिट भी लोग के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो साथियों ये इंक्वायरी थी मैंने आपको बता दी, अगर आप इस कैटेगरी के हिसाब से फिट बैठते हैं, कुवैत जाने से इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट करें, गुजरात में ऑफिस में जाके मिलें, मीटिंग करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पे पासपोर्ट जमा करवाएं, अपना CV वगैरह जमा करवाएं और आपकी फ़ोटो वगैरह जमा कराएं, आपका काम हो सकता है वहाँ पे, बिल्कुल आप जाके करवा सकते हैं। और मैं बता दूं साथियों कि एक्चुअल में दिक्कत ही आती है कि लोग बहुत सारे को वीज़ा आ जाता है, फिर वो पैसा वगैरह झंझट होता है, तो भैया 10,000 रुपये आपको एडवांस जमा कराना पड़ेगा। अगर आपका काम नहीं होता है बाय चांस, 1% काम नहीं होता है, तो वो पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी की पासपोर्ट के साथ आपको 10,000 तो जमा करवाना ही पड़ेगा। जो 10,000 जमा करवाना चाहते हैं वो ही ऑफिस में कॉन्टेक्ट करें, बाकी भैया ना करें, क्योंकि ये मुझे भी पता है इन बातों का, बहुत सारे एजेंटों से मेरा लिंक होता है, तो वो सब बोलते हैं भैया कट्टे भरे पड़े हैं पासपोर्ट के पास, वीज़ा आ जाता है, बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, बंदा नहीं जाता, ऑफिस वाले का जितना पैसा लगता है ऑफिस वाले काट लेते हैं, भाई ये वीज़ा या कैंसिल, वो पासपोर्ट को क्या करेगा। तो सिक्योरिटी जो जमा कराएगा वो जाने का इंटरेस्टेड होगा, कल को नहीं जाता है तो उसका वीज़ा का पैसा थोड़ा बहुत वसूल हो सकता है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका ये काम मैन पावर के थ्रू होगा ये मैं बता दूं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, बाकी आप जहां आप जाके वहां पे मीटिंग करें, आपको अगर अच्छा लगता है तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और साथ में बेल आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं कुवैत से रिलेटेड कोई नया वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।